Hey guys, I'm Chandan. Hello friends, I'm Samriddhi and welcome back to our YouTube channel Herbaceous. So आज हम आपको हनी टर्मरिक फेस पील ऑफ मास्क बना के दिखाएंगे. सो ये जो पील ऑफ मास्क हम आपको बना के दिखाने वाले हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं. ये आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट और बैक्टीरिया रहता है उसको रिमूव करता है. आपके फेशियल हेयर है उसको भी रिड्यूस करेगा, उसको भी रिमूव करेगा. आपके टैनिंग को कम करेगा, आपके स्किन को टाइटन करेगा, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करेगा, आपके एक्ने को भी धीरे धीरे कम कर देगा और रिमूव कर देगा. जैसा कि समृद्धि ने बताया, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को कम कर देगा. तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं. सो हनी टर्मरिक फेस पील ऑफ मास्क बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हनी, मिल्क, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और जेलेटिन पाउडर. तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे. तो ये अब तक की सबसे सिंपल रेसिपी है. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सारे इंग्रेडिएंट्स को लेने हैं और आपस में मिला देना है. तो सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ हनी, उसमें मिलाएंगे 4 to 5 टीस्पून ऑफ मिल्क. आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, जेल की कंसिस्टेंसी जैसी आपको चाहिए उस हिसाब से आप मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं. और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक और लास्ट में डालेंगे हम 2 टीस्पून ऑफ जेलेटिन पाउडर. इस पील ऑफ मास्क में जेलेटिन पाउडर जो है वो बेस इंग्रेडिएंट है. जेलेटिन पाउडर में होते हैं ढेर सारे अमीनो एसिड्स जो आपके स्किन के कोलाजन को बूस्ट करता है और आपके रिंकल्स को कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है और एजिंग को भी कम करता है. तो जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं आप, हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम हीट कर लेंगे माइक्रोवेव में फॉर 20 सेकेंड्स ऑन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस. तो बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मरिक की. टर्मरिक में होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो आपके स्किन के कोलाजन को बूस्ट करता है. इसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ जो आपके एक्ने को कम करता है, आपके ब्लैक हेड्स को कम करता है, आपके स्किन के पिगमेंटेशन को कम करता है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है. अभी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद स्किन पे अप्लाई करेंगे. तो स्किन के रेसिपी में हनी जो है वो सालों से यूज़ होता आ रहा है. हनी में होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो आपके स्किन के कोलाजन को बूस्ट करता है, एंटी एक्ने की तरह काम करता है, आपके स्किन के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी कम करता है. इंडियन काउ मिल्क में ढेर सारे न्यूट्रिशन होता है जो आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. इसमें होता है लैक्टिक एसिड जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है और ढेर सारे न्यूट्रिशन होता है जो आपके नए स्किन्स के फॉर्मेशन को बूस्ट करते हैं और स्किन को मॉइस्चराइज करता है. हमारा प्रोडक्ट रेडी है, देख सकते हैं आप, और इसका रिव्यू समृद्धि करेगी, यही बताएगी हमको कि कैसा बना है. सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ. ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी है. सो इसे आपको अपने चेहरे पे लगाना है और लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि आप मोटा लेयर लगाएं, क्योंकि अगर आप मोटा लेयर नहीं लगाएंगे तो उसे पील ऑफ करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी और आपको एट द एंड फेस वॉश करना पड़ेगा वो, क्योंकि पील ऑफ नहीं होगा. और जब आप इसे पूरे फेस पे लगा लें तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा बोले नहीं, वरना जो मास्क है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे जिस वजह से उस एरिया का जो डर्ट है वो क्लीन नहीं होगा. सो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसे लगाना कैसे है. आपको एकदम मोटा लेयर लगाना है. जहाँ पे आपको ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं या व्हाइट हेड्स होते हैं आप उस एरिया पे ज्यादा मोटा लेयर अप्लाई करें. सो आपको इतना मोटा लेयर लगाना है और मेरे नोज पर और मेरे चिन पे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स थोड़ा ज्यादा होते हैं तो मैंने वहाँ पे थोड़ा ज्यादा मोटा लेयर लगाया है ताकि मुझे वहाँ पील ऑफ करने में आसानी हो, ताकि वहाँ के डर्ट मेरे क्लीन हो जाए. सो अब जब वो सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसे कैसे पील ऑफ करना है. अगर मैं ज्यादा बोल नहीं सकती तो जाएंगे. सो मिलते हैं जल्दी सूख जाए. 20 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स में ये पूरी सूख गई है. ये देखिए, मैं आपको टच करके दिखाऊंगी. मैंने काफी मोटा लेयर लगाया था तो मुझे 20 मिनट्स 25 मिनट्स लगे इसको सूखने में. और अब मैं आपको पील करके दिखाती हूँ.
जेंटली पील करना है। ये ध्यान रखिएगा लगाते समय कि आप इसको अपने आईब्रो वाले हेयर पे या फिर अपने बालों पे ना लगाए, वरना काफी पेन होगा जब आप पील करोगे। जैसा कि अभी चंदन ने ये गलती कर ली है और अभी उसे काफी पेन हो रहा है। पील ऑफ करने के बाद स्किन थोड़ी स्टिकी स्टिकी लग रही थी, तो उसे मैंने पानी से धो लिया है और उसके बाद काफी स्किन क्लीन लग रही है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसे वंस अ वीक जरूर यूज करें। और क्लीन करने के साथ साथ जो मेरे फेशियल हेयर्स थे वो भी चले गए हैं, तो ये भी इसका बेनिफिट है। और किसी पार्टी वगैरह में जाना है तो उस दिन जरूर यूज करें। आप जब पील ऑफ करोगे आपको तभी फर्क दिखेगा, आपको खुद लगेगा कि आपकी स्किन बहुत क्लीन हो गई है। एंड टू बॉयज, प्लीज 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 अपने दाढ़ी और मूछों को अवॉइड करना। चंदन को बहुत डिफिकल्टी हुई है रिमूव करने में। आई नो वो कैसे रो रो के पील ऑफ किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ नया वीडियो लेकर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।